मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोगों तक ये बात पहुँचे और जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो शेयर करें। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है और मैंने देखा है कल रात को। जब आप अपने फ्रेंड से प्यार करने लग जाते हो तो क्या होता है कि वो तो आपको फ्रेंड मानती है, पर आप उसे वो प्यार वाला प्यार दे रहे हो, ठीक है, तो आप भी चाहते हो कि रिवर्ट में वो प्यार मिले, पर मिलता नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है। तो उस टाइम पे अगर आपको लग रहा है ऐसा हो रहा है तो उनसे दूर हो जाओ, क्योंकि उस टाइम पे उनके साथ रहोगे आपको डे बाय डे दिल डेली आपका दिल टूटेगा, क्योंकि आप उनको वो प्यार दोगे जो आप वापस चाहते हो, और वो प्यार मिलेगा नहीं आपको, आपको मिलेगी वापस दोस्ती। इश्क तो होता रहेगा, पहले एक दूसरे को तो समझ लें। अगर वो हूँ हाँ ओके का रिप्लाई कर रहा है फिर भी आप उसको बड़े बड़े मैसेजेस करे जा रहे हो, इसका मतलब ये है कि वो आपसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है, और उसके बावजूद अगर आप कर रहे हो तो इसका मतलब आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को गिरा कर आगे वाले आदमी के कदमों में रख रहे हो। मैं क्या करता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ, ज़िंदगी में जब भी ऐसा कुछ होता है, मेरे साथ कोई बिना बताए बात करना छोड़ता है या मुझे लगता है कोई मेरी गलती है, तो मैं क्या करता हूँ, एक मैसेज पे या अगर मेरे घर के पास रहती है तो कोई लेटर पे अपने दिल की सारी बातें लिख देता हूँ, और फिर उसके बाद उन सारी बातों को मैं जाके मतलब एक मैसेज में लिख के और एंड में ये लिख देता हूँ कि अगर इन बातों को जानने के बावजूद भी आपको ऐसा लगता है कि मैं गलत हूँ तो मुझसे बात मत करना, और अगर लगता है कि मैं 1% भी लायक हूँ बात करने के तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। कई बार हम रिएक्ट करने में बहुत जल्दी लगा देते हैं, ठीक है, किसी के हमें ना इंसान की बात सुननी चाहिए सुनने के लिए, ना कि रिएक्ट करने के लिए। तो कई बार इंसान गुस्से में कुछ बोल भी रहा है ना तो सुन लो, पर उसे सुनना चाहो, रिएक्ट मत करो, फिर देखो कि कैसे गेम पलट जाती है, ठीक है। अकेले होने से डरो मत, अकेला रह कर देखो, आपको इतना समय मिलेगा खुद के लिए और खुद पर काम करने के लिए। जिंदगी में जो कामयाबी अकेले होके मिलती है ना, वो चार लोगों के साथ नहीं मिल सकती, ये बात है। क्योंकि आज आप बदल गए, आपने खुद को तो बदल लिया, कल को आपको रिग्रेट नहीं हो उस चीज पे कि यार मैंने अपने उसके लिए इतना किया, पर वो इंसान ने तो, समझ रहे हो आप मेरी बात, जो आदमी को तुम अपना समझ रहे हो वो अपना नहीं है, अपने तो घर पे बैठे। जिंदगी में ना कभी भी ऐसा लगे कि मुझे ऐसा लग रहा है मैं उसके पास जाऊं और उसके पास ना जाऊं, दो चीजें इसमें, एक चीज जो है वो हमारा दिमाग बोलता है और दूसरी चीज हमारा दिल बोलता है, ठीक है। और आपको ये समझना है कि दिल क्या समझता है, दिल प्लेजर को समझता है, ठीक है। प्लेजर का मतलब है जो मूवमेंट, मूवमेंट पे खुशी होती है, एक पर्टिकुलर मूवमेंट पे खुशी हो रही है, पर दिमाग लॉन्ग टर्म के लिए बोलता है, ठीक है। तो अगर जो दिमाग कह रहा है उसकी सुनो, दिमाग अगर ये कह रहा है कि बेटा गए तो कटोगे तो काहे जा रहे हो, बस एक बहाने की जरूरत होती है जाने वाले को भी और साथ निभाने वाले को। अजीब दुनिया है जनाब, यहां पर रिश्ते पहले टूट जाते हैं और दिल बाद में, और कोई तो वजह होगी जो सही पहले सही लगता था, अब कुछ समय बाद रिलेशनशिप के 1-2 साल बाद अब वो सही गलत हो गया, कोई तो दिक्कत होगी ना, तो वो आपको समझना है।